हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हिंदी। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्लास 7 डीएवी बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर बुक के चैप्टर 1 जो कि एक स्टोरी था मंकी ट्रबल और चैप्टर 2 बर्डी विल यू पेट जो कि एक पोएम था उसे हमने पढ़ा था। टुडे वी आर हियर टू रीड द थर्ड लेसन ऑफ द सेम बुक इंग्लिश लिटरेचर बुक अ हीरो विच इज अ स्टोरी एंड इट हैज बीन रिटन बाय आर के नारायण। वेल स्टूडेंट्स, बिफोर वी रीड द स्टोरी लेट मी आस्क यू समथिंग, व्हाट आर दोज क्वालिटीज दैट मेक अ पर्सन अ हीरो। वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो किसी भी व्यक्ति को हीरो बनाती हैं? बच्चों, आप हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसी बहुत सी क्वालिटीज हैं जो कि एक हीरो में होती हैं। यू हैव ओनली टू चूज 4 to 5 क्वालिटीज विच इज एसेंशियल फॉर अ हीरो एंड वुज एब्सेंस इन अ पर्सन मेक्स हिम टू बी कॉल्ड अ कॉवर्ड पर्सन। अगर किसी इंसान में वो क्वालिटीज नहीं होती तो वो हीरो नहीं होता, वो एक डरपोक और कमजोर आदमी माना जाता है। सेकेंड, करेज इज एन एटीट्यूड, इट इज देयर इन द माइंड, डू यू एग्री, डिस्कस विद रीजंस। स्टूडेंट्स, आप कंसीडर करें, आप थोड़ी सी थिंकिंग करें कि करेज क्या है। एक एटीट्यूड है और वो हमारे माइंड में होता है। करेज का हमारे बॉडी, एज, स्ट्रेंथ, वीकनेस से कुछ लेना नहीं होता, ये हमारे माइंड में होता है। चाहे हम किसी भी एज के हों, चाहे हम स्ट्रोंग हो, हेल्दी हो या फिर अनहेल्दी हो और वीक हो, इससे करेज को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, बिफोर रीडिंग द स्टोरी लेट मी टेल यू द समरी ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी अ हीरो हैज बीन रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन इंग्लिश विद वर्ल्ड फेम, आर के नारायण। दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। द स्टोरी इज ऑफ अ स्मॉल बॉय, स्वामी। ये जो कहानी है एक छोटे से बच्चे की है, स्वामी की, जो क्लास 2 में पढ़ता है। हु इज टिमिड एंड अफ्रेड ऑफ ड्रीम्स एंड घोस्ट्स। वो बहुत ही डरपोक बच्चा है, बहुत ही टिमिड है, हमेशा डरता रहता है। स्पेशली रात में उसे डरावने सपने आते हैं और उसे भूतों से भी डर लगता है। ड्यू टू दिस फियर ही यूज्ड टू स्लीप बिसाइड हिज ग्रैनी। इस डर की वजह से वो अपने ग्रैनी के बेड पे सोता है। अकॉर्डिंग टू हिम ओनली एजेड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन बी करेजियस। और स्वामी, उसको ऐसा लगता है कि ओनली जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ग्रोन अप लोग हैं, दे कैन बी करेजियस एंड ही माई not. Swami's father is a sincere and strict father who wants to convince his child that courage is everything and strength and age are not important for doing wonderful things. Swami ke pitaji hain, bahut hi strict aur sincere father hain, wo apne bacche ko sahasi banana chahte hain aur isliye wo use batate hain ki courage, sahas hi sab kuch hai, strength aur age इम्पॉर्टेंट नहीं है। कब? किसी भी वंडरफुल काम को करने के लिए, किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें साहस होना चाहिए, चाहे हम छोटे हों या फिर कमजोर हों। स्टिल अगर हमें करेज है तो हम वंडरफुल टास्क कर सकते। वन डे ही चैलेंजेस एंड फोर्सेस स्वामी टू स्लीप अलोन इन हिज फादर्स ऑफिस रूम। एक दिन ये स्वामी को चैलेंज करते हैं और उसको फोर्स करते हैं कि वो इनके ऑफिस रूम में सोए और वो भी अकेला सोए। स्वामी कांट मेक एनी एक्सक्यूज टू एस्केप हिमसेल्फ। इस बार स्वामी कोई भी बहाना नहीं बना पाता एंड गोज टू स्लीप देयर वेयर एट मिडनाइट ही हैज सम डेंजरस ड्रीम्स, सम इल्यूजंस एंड अंडर पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस ही कैचेस अ बर्गलर। क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, उसके मन में तरह तरह के डरावने थॉट्स आते हैं, उसे भ्रम होता है, इधर से कोई आया, उधर से कोई आया, ऐसी आवाज हुई, वैसी आवाज हुई, और इसी तरह के डर के बीच में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन जाती है और कोई कमरे में आ जाता है और वो एक बर्गलर को पकड़वा देता है। इट इज़ डन अननोविंगली एंड एक्सीडेंटली। ऐसा स्वामी जानबूझ के नहीं करता, अनजाने में स्वामी से हो जाता है। बट दिस इंसिडेंट इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एंड स्वामी इज डिक्लेयर्ड एज अ
हीरो। ये जो घटना है न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती है और स्वामी एक हीरो के तौर पे डिक्लेयर हो जाता है, स्वामी को हीरो अनाउंस कर दिया जाता है ब्रेव बॉय के तौर पे, उसके बारे में न्यूज़पेपर में छपता है। दस दिस स्टोरी हैज एन आयरनिक टच। इस स्टोरी में क्या आपको देखने मिला? आयरनिक टच। डरपोक था तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो एक बर्गलर को पकड़वाएगा, लेकिन होता है हमारी सोच के बिल्कुल उल्टा। तो एक आयरनिक टच भी है यहाँ। ऑल्सो इन द स्टोरी वी हैव द थीम ऑफ फियर, insecurity, control, powerlessness, bravery and independence of a school going child. एक स्कूल जाने वाले छोटे से बच्चे के मन में किस तरह से डर होता है, असुरक्षा की भावना होती है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता, कभी कभी बेचारा सा हो जाता है, पेरेंट्स के आगे उसकी नहीं चल पाती है, उसमें ब्रेवरी की कमी होती है और वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है बहुत सी चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाई गई हैं। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी अबाउट अ स्मॉल बॉय स्वामी एंड फाइंड आउट हाउ ही बिकम्स अ हीरो सडनली। फॉर स्वामी इवेंट्स टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के साथ क्या हुआ? इवेंट्स जो है यानी जो भी घटनाएं स्वामी के साथ हो रही थी वो अनएक्सपेक्टेड टर्न ले ली, यानी स्वामी ने सोचा भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? नॉट लाइकली टू हैपन, नॉट लाइकली टू हैपन, होना नहीं था वैसा, मगर वैसा होता चला गया। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प। फादर क्या कर रहे थे? ही लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर, ही वॉज reading newspaper and he was reading under the hall lamp. Hall में जो lamp थी उसके रोशनी से वो पढ़ रहे थे and said, Swami, listen to this news. क्या कहा उन्होंने? स्वामी को बुलाया और उसे कोई न्यूज सुनाया। An act of bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a टाइगर। न्यूज किसके बारे में था? बहादुरी से भरे हुए एक्ट के बारे में था, यानी एक बच्चे की बहादुरी के बारे में था जो कि एक विलेज लैड था। वो रिटर्न हो रहा था घर और जंगल के पाथ से, जंगल के रास्ते से, एंड केम फेस टू फेस विद अ टाइगर। उसके सामने कौन आ गया? एक बाघ आ गया। सो द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री। आगे भी सुनाई गई, यहाँ पर देखो बच्चों ये डॉट डॉट है, मतलब कंटिन्यू है। फादर ने इंसिडेंट को और भी पढ़ा, पूरा पढ़ा, पूरा पैराग्राफ में क्या डिस्क्राइब था? फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर, फाइट जो बच्चे की उस टाइगर के साथ हुई, फिर उसकी फ्लाइट अप अ ट्री, मीन्स वो बच्चा जो था वो फ्लाइट अप कर गया यानी चढ़ गया, ही क्लाइम्ब अ ट्री। Where he stayed for half a day, जहाँ पे वो आधे दिन तक वैसे ही पड़ा रहा, वही रुका रहा। Till some people came, जब तक कुछ लोग आए, that way उस रास्ते से होकर के, and killed the tiger. Okay? तो आपने देखा फादर स्वामी को न्यूज़पेपर के एक इंसिडेंट को बता रहे थे। After reading it through, father looked at Swami fixedly. जब इसकी थॉरली रीडिंग कर ली यानी पूरे विस्तार से पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया न्यूज़ को, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली एंड आस्क्ड, उसको बड़ी एक टक नज़र से देखते हैं और उससे पूछते हैं, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में, इस इंसिडेंट को लेकर के तुम्हारा क्या ख्याल है? स्वामी सेड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। स्वामी क्या बताता है? आई थिंक ही मोस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। स्वामी बताता है कि वो जो लड़का है वो कोई लड़का वड़का नहीं है, वो एक ग्रोन अप पर्सन है और बहुत मजबूत आदमी है, नॉट एट ऑल अ बॉय, वो एक बॉय तो बिल्कुल भी नहीं। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, कोई बॉय किसी टाइगर से कैसे फाइट कर सकता? यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, फादर स्नीयर। स्नीयर्ड का क्या मतलब होता है? स्पोक इन अ स्कॉर्नफुल मैनर। ये जो बात थी फादर को एकदम पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने स्वामी को बहुत ही तिरस्कार पूर्ण ढंग से कहा कि यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, तुम समझते हो कि तुम न्यूज़पेपर से भी ज्यादा बुद्धिमान हो। अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, एक आदमी में एक एलिफेंट की स्ट्रेंथ हो सकती है,
एंड येट बी अ कॉवर्ड, और फिर भी वो एक डरपोक आदमी हो सकता है, यानी एलिफेंट की ताकत होने के बावजूद एक इंसान एक कॉवर्ड हो सकता है, वेयर एज अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, जबकि दूसरा स्ट्रॉ की जितने स्ट्रेंथ का हो सकता है, स्ट्रॉ मतलब तिनका, तो अगर तिनके के बराबर भी स्ट्रेंथ हो, बट इफ ही हैज करेज, अगर उसके अंदर साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या है, करेज, स्ट्रेंथ एंड एज इम्पॉर्टेंट नहीं है. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. स्वामी डिस्प्यूटेड द थियोरी, डिस्प्यूटेड मीन्स स्ट्राइव टू विन, इस थियोरी को उसने आर्ग्यू करना चाहा और आर्ग्यूमेंट में वो अपने फादर से जीतना चाहा. कहता है हाउ कैन इट बी फादर, ऐसा कैसे हो सकता है फादर, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी. कहता है कि सपोज मेरे पास बहुत साहस है, लेकिन अगर कोई टाइगर मुझ पर अटैक करे तो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ. लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज. फादर क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ को छोड़ो, क्या तुम में करेज है, इतना प्रूव कर पाओगे. लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम. उसको चैलेंज करते हैं कि दिखाओ जरा तुम्हें कितना साहस है, चलो बस आज की रात मेरे ऑफिस में अकेले सो के बिता दो. अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, ये जो प्रोपोजिशन था, ये जो प्रपोजल था, ये जो प्रस्ताव था, बहुत ही फ्राइटफुल, बहुत ही डरावना था. स्वामी थॉट, स्वामी ऐसा सोचता था. ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, हमेशा वो कहाँ सोता, वो अपने ग्रैनी के बिसाइड सोता. इन द पैसेज, कहाँ पैसेज में, पैसेज घर का वो हिस्सा होता है जहाँ से होकर के मेन बिल्डिंग में या बेडरूम में या आंगन में जाते हैं, तो उस पैसेज में ग्रैनी सोती थी और ग्रैनी के बगल में स्वामी सोता था. एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट. इस अरेंजमेंट में, यानी ग्रैनी के साथ सोने में किसी भी तरह का बदलाव होता, उसको कहीं और सोने अगर बोल दो, तो वो पूरी रात ट्रेम्बलिंग करता, कांपता रहता एंड अवेक जगर. ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग, पहले तो उसने सोचा कि उसके पिताजी मजाक कर रहे हैं, ही जोकिंग. ही मम्बल्ड वीकली, इसलिए उसने क्या किया, मम्बल किया. मम्बल करना मतलब टू स्पीक इन एन अनक्लियर टोन, साफ साफ से नहीं बोलना, भीतर ही भीतर उसने क्या वीकली धीमे धीमे क्या कह दिया, यस. एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, बस बात को घुमाना चाहा, यानी अपने पिता का ध्यान वो अब ऑफिस रूम में अकेले सोने के चैलेंज से हटा करके कहीं और ले जाना चाहता है. He said very loudly, बहुत तेज बोलता है इस बार, यानी मम्बल नहीं कर रहा है, वो बोलली बोल रहा है. And with a great deal of enthusiasm, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से, enthusiasm means उत्साह, उत्साह से भर के वो क्या बोलता है, We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. मतलब अब आज की बात से, यानी आने वाले टाइम में हम अपने क्रिकेट क्लब में एल्डर्स को भी शामिल करने जा रहे हैं. We are buying brand new bats and balls. क्या बताता है कि हम लोग brand new bats और balls ला रहे हैं ताकि बड़े भी हमारे क्रिकेट क्लब में खेल सकें. Our captain has asked me to tell you. हमारे कैप्टन ने कहा है आपको बताने की. We'll see about it later. Father cut. पिताजी इसकी बात को पूरा नहीं होने देते. यहाँ देखिए continue रहना चाहा है but पिताजी ने कट कर दिया. अचानक से sentence में dot 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 आ गया. Father उसे बोलते हैं we'll see about it later. उसके बारे में, किसके बारे में, elders को क्रिकेट क्लब में शामिल करने के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. You must sleep alone here after. कहते हैं अब अभी तो तुम क्या करके दिखाओ, अकेले सो के दिखाओ. स्वामी realized that the matter had gone beyond his control. स्वामी समझ गया कि अब जो बात है उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है. From a challenge it had become a plain command. पहले तो ये challenge था, स्वामी चाहे तो अपनी ब्रेवरी साबित करे, अदरवाइज न सोए. लेकिन अब ये क्या हो गया, कमांड हो गया, यानी फादर का ऑर्डर हो गया, इसको डिसओबे वो नहीं कर सकता था और इसलिए मैटर उसके हाथ से निकल चुका था. ही न्यू हिज फादर्स टेनासिटी एट सच मोमेंट्स.
उसे पता था अपने पिता की जो फर्मनेस थी, जो क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी डिटरमाइंड, टेनेसिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी डिटरमाइंड, तो उनकी जो टेनेसिटी है, उनका जो जिद है, वो इस तरह के मौकों पर कैसा होता है उसे जानता था। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई स्लीप अलोन फादर, क्या बोलता है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई स्लीप अलोन, मैं अगले महीने पहली तारीख से सोऊंगा, मतलब अकेले सोने का जो काम है वो मैं अगले महीने पहली तारीख से करूंगा। नो, यू मस्ट डू इट नाउ, इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि समझाते नहीं, एक्चुअली ऑर्डर करते हैं, वो स्वामी को ऑर्डर करते हैं, यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें अभी से करना है। और ये बहुत ही डिसग्रेसफुल है, बहुत ही अभद्र तरीका है, स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी, एक छोटे से बेबी की तरह मम्मी नानी दादी के गोद में सोना, ये बहुत ही अपमानजनक है, ऐसा नहीं करो। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, तुम अब दूसरी क्लास में आ गए हो, सेकेंड फॉर्म दूसरी क्लास, एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरीके से तुम्हें ब्रॉट अप किया जा रहा है, यानी तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो तुम्हें तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा, एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, किधर देखा, अपनी वाइफ की तरफ देखा, हु वॉज रॉकिंग द क्रैडल, जो वहीं पर क्रैडल यानी पालने में बच्चे को, छोटा जो बेबी था उनके पास ऑलरेडी, उसको झुला रही थी। व्हाई डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से इट, अब देखो इस तरह से स्वामी को डांटने के बाद वो अपनी वाइफ को क्यों देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ यानी स्वामी की माँ उसे बिगाड़ रही है, उसको एकदम छोटे बेबी की तरह बिहेव करती, इसलिए उन्होंने उसे देखा। और मदर भी ऐसा समझ गए, इसलिए वो क्या जवाब देती हैं, व्हाई डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से इट, जब आप ऐसा कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं कि आई डोंट एट ऑल लाइक द वे, मीन्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से तुम बड़े हो रहे हो, तो इस बात को कहते हुए आपने मेरी तरफ क्यों देखा, शी आस्क्ड, आई हार्डली नो एनी थिंग अबाउट द बॉय, इस लड़के के बारे में मुझे मुश्किल से ही कुछ पता होता है। नो नो आई डिडंट मीन यू फादर सेड, फादर बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा मतलब तुमसे नहीं था, यानी मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर, अब स्वामी की माँ को लगता है कि मुझे नहीं कहा तो फिर किसे कहना चाहा, अगर आपका मतलब आपकी माँ से था यानी कि ग्रैनी से है, टेल हर सो, तो उसे जाकर बताइए कि तुम्हारा जो कि स्वामी को ब्रिंग अप करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है और स्वामी के फादर को पसंद नहीं है, एंड डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ नहीं देखिए, शी सेड एंड टर्न्ड अवे, वो ऐसा कहते हुए वहाँ से मुड़ करके चली। स्वामीज फादर सैट ग्लूमिली गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप, ग्लूमिली मीन्स होपलेस वे में, वो एक होपलेस वे में क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को अपने गोद में लिए हुए एक टक देख रहे हैं, गेजिंग मीन्स टू लुक फिक्सली। स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिप टोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज, स्वामी वहाँ से उठता है, अभी तो स्वामी से ही वो बात कर रहे थे न्यूज़पेपर की खबर को लेकर के, वहाँ से वो उठता है साइलेंटली चुपके से, एंड टिप टोड का क्या मतलब हुआ, वॉकिंग क्वाइटली एंड केयरफुली, जो एड़ी को उठा करके और उंगलियों के दम पे चलते हैं, उंगलियों के बल पे चलते हैं ताकि कुछ आवाज़ ना हो, कोई पकड़ ना पाए कि कोई आया या गया, उस तरीके से बहुत ही साइलेंटली और केयरफुली वो चलता है टू हिज बेड इन द पैसेज, किस तरफ जाता है, पैसेज की तरफ अपने बेड पर जाने के लिए। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, ग्रैनी वहाँ अपने बेड में बैठी हुई थी, एंड रिमार्क्ड, उन्होंने रिमार्क किया, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुमको आज जल्दी नींद आने लगी, डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी, तुम्हें स्टोरी नहीं सुनना, स्वामी की आदत थी रोज दिन स्टोरी सुन सुन के सोने की, तो इसलिए वो स्वामी को बोलते हैं कि डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी। स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस ग्रैनी, जेस्टिकुलेशंस मीन्स जेस्चर्स, वो ऐसे मुंह बनाता है, ऐसा लैंग्वेज
बोलता नहीं है पर शो करता है कि ग्रानी चुप हो जाए. ही मेड दोज वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस ग्रानी. ऐसा मुंह उसने इसलिए बनाया कि ग्रानी चुप हो जाए. बट दैट गुड लेडी, वो जो लेडी, गुड लेडी हाँ, बहुत भोली और इनोसेंट लेडी, सॉ नथिंग, कुछ नहीं समझ पाए. सो स्वामी थ्रेव हिमसेल्फ ऑन हिज बेड. इसलिए स्वामी ने क्या किया, थ्रेव हिमसेल्फ, यानी वो बहुत तेजी से अपने बेड पे गया एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस. ब्लैंकेट उठाया और पूरा मुंह ढक के सो गया. ग्रैनी सेड, डोंट कवर योर फेस, आर यू रियली वेरी स्लीपी. ग्रैनी ने उसे मना किया कि फेस कवर नहीं करो, क्या तुम्हें सच में बहुत नींद आ रही है. स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड. स्वामी थोड़ा सा झुकता है ग्रैनी की तरफ एंड विस्पर्ड. विस्पर करना मतलब क्या होता है, टू स्पीक लोली, धीमे धीमे बोलना. कहता है, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी, डोंट टॉक टू मी एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी. मुझसे बात मत करो, मुंह बंद कर लो. डोंट लेट एनीवन कॉल मी, किसी को भी मुझे बुलाने भी मत देना. यहाँ जगाने से मतलब है, यानी कोई मुझे न जगाए, किसी को न जगाने देना. इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, घर में अगर आग भी लग जाए तो कोई मुझे न जगाए. If I don't sleep at once, I shall perhaps die. अगर मैं अभी के अभी नहीं सोया तो मैं शायद मर जाऊँगा. He turned over. क्या करता है, उस तरफ मुड़ जाता है. Curled, थोड़ा सा कॉइल कर लेता है बॉडी को, थोड़ा सा मुड़ा लेता है. And snored. Snored का मतलब क्या होता है, सोते समय कुछ लोगों के नाक से आवाज़ आती है ना, खर्राटू की, वैसी आवाज़ें निकालने लगता है. Under the blanket, till he found his blanket pulled away. वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा इसलिए करता है कि कोई भी समझे कि वो सो गया है. लेकिन तभी क्या होता है, till he found his blanket pulled away. उसका ब्लैंकेट खींचता है, उसे पता चलता है कि उसका ब्लैंकेट उसके ऊपर से खींच लिया गया. Presently father came. तभी फादर वहाँ आ गए थे and stood over him. उसके सामने खड़े थे. स्वामी गेट अप, ही सेड. उन्होंने क्या कहा, स्वामी उठो. ही लुक्ड लाइक एन अपारिशन. अपारिशन मीन्स घोस्ट. स्वामी के पिताजी अभी उसको कैसे दिख रहे थे, घोस्ट की तरह. इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज. पैसेज में हल्की धुंधली रोशनी थी, विच वॉज लिट बाय अ कोन ऑफ लाइट. हल्का सा मध्यम प्रकाश आ रहा था. कहाँ से, कोन ऑफ लाइट फ्रॉम द हॉल. हॉल से लाइट का रे इधर रिफ्लेक्ट हो रहा था, उसी से थोड़ी सी रोशनी वहाँ थी. और उस धीमी रोशनी में फादर बिल्कुल उसे किसी घोस्ट की तरह दिख रहे थे, किसी भूत की तरह दिख रहे थे. स्वामी स्टर्ड. स्वामी क्या करता है, स्टिर करता है, यानी उस तरफ मुड़ जाता है. एंड ग्रोन्ड, और कराहते हुए बोलता है, एज इफ इन स्लीप. इस तरीके से बोलता है कि जैसे लगता है कि वो नींद में हो. फादर सेड, गेट अप स्वामी. फादर ने कहा, गेट अप स्वामी, उठ जाओ स्वामी. ग्रैनी प्लीटेड. ग्रैनी प्लीटेड, प्लीट का मतलब रिक्वेस्ट करना भी होता है. यहाँ पर प्लीट का मतलब है टू फेवर, वकालत करना. उन्होंने फेवर किया बच्चे का, कहा, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसे. गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द थर्ड टाइम. तीसरी बार उन्होंने कहा, गेट अप स्वामी. एंड स्वामी गॉट, स्वामी उठ गया. फादर रोल्ड अप हिज बेड, टूक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड. उन्होंने क्या किया, बेड को ऐसे रोल किया, उसको अपने हाथ के नीचे ऐसे दबाया और कहा, कम विद मी. स्वामी लुक्ड at his granny, hesitated for a moment and followed his father into the office room. Swami ne apni granny ko dekha, hesitate kiya thodi der, hichkicha raha tha kya kare kya na kare, and followed his father, aur piche piche chal diya apne father ke into the office room ki taraf. On the way he threw a look of
अपील एट हिज मदर। रास्ते में जाते जाते उसने एक बार देखा किसकी तरफ, लुक ऑफ अपील, इस नज़र से देखा जैसे कि वो रिक्वेस्ट कर रहा हो। किसकी तरफ देखा? मदर की तरफ देखा, यानी अपनी माँ की तरफ इस नज़र से देखा कि माँ उसे शायद बचा ले। एंड शी सेड, उन्होंने कहा भी, व्हाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो बच्चे को, ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, उस हॉल में भी तो सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद अ बोर्ड हेड, मुझे ऐसा नहीं लगता, फादर ने कहा, और स्वामी चुपचाप सिर झुकाए उनके पीछे चलता रहा। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने रिक्वेस्ट किया, यहाँ प्लीडेड का मतलब क्या है, रिक्वेस्टेड, उसने अपने फादर को कहा कि लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपका ऑफिस रूम बहुत ही धूल से भरा हुआ है एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस, कुछ बिच्छू भी वहाँ हो सकते हैं आपके लॉ बुक्स के पीछे। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, उन्होंने क्या कहा कि कोई स्कॉर्पियन वगैरह नहीं है, कोई यहाँ बिच्छू वगैरह नहीं है, स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू, तो यहाँ पे कोई स्कॉर्पियन नहीं है, अगर चाहो तो बेंच पे सो सकते हो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं रूम की लाइट जला लूँ, नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि अंधेरे से ना डरो, इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ आदत की बात है, यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अपने अंदर अच्छी आदतों को कल्टिवेट करना चाहिए, अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, कम से कम आप डोर तो ओपन छोड़ देंगे ना, वेल ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनी साइड एट नाइट, ठीक है छोड़ दूंगा लेकिन वादा करो कि रात को अपना बेड उठा करके और ग्रैनी के साइड में नहीं पहुंच जाओगे। इफ़ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा किया, माइंड यू, तो ध्यान रहे, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, मैं क्या करूँगा, तुम्हें तुम्हारे स्कूल का लाफिंग स्टॉक बना दूंगा, लाफिंग स्टॉक मीन्स जिस पर सब हंसे, अ पर्सन सब्जेक्टेड टू जनरल मॉकरी, जिसका सब मजाक उड़ाते हो, मैं तुम्हें वही पर्सन बना दूंगा, यानी मैं सबको बता दूंगा कि तुम कितने डरपोक हो। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, ऐसा लगा कि स्वामी इंसानियत से दूर हो गया है, कट ऑफ हो गया है, इंसानियत से स्वामी का कोई वास्ता ही नहीं रह गया। ही वॉज पेन्ड, उसे बहुत दुख हो रहा था, एंड एंग्री, उसे गुस्सा भी आ रहा था। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर, उसके पिता के स्वभाव में जो क्रुएल्टी थी उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ही हेटेड द न्यूज़पेपर, उसको न्यूज़पेपर से नफरत होने लगी। फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, क्यों? क्योंकि उसमें टाइगर की स्टोरी प्रिंट हुई थी। ही विश्ड दैट द टाइगर हैडन्ट स्पेयर्ड द बॉय, वो विश कर रहा था, वो चाह रहा था कि काश टाइगर ने बॉय को छोड़ा ही ना होता। हु डिड नॉट अपीयर टू बी अ बॉय, जो बॉय तो बॉय था ही नहीं आफ्टर ऑल, बट अ मॉन्स्टर, वो जो बॉय जो टाइगर से बच गया, टाइगर ने उसे छोड़ा ही नहीं होता, वो बॉय बॉय नहीं तो कोई मॉन्स्टर था। एज नाइट एडवांस्ड, जैसे जैसे रात बढ़ती गई, रात गहराती गई, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, घर में सन्नाटा छाने लगा, हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, वो डरने लगा। ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स, उसे याद आने लगी बहुत सी कहानियाँ जो डेविल्स और घोस्ट्स के बारे में थी, भूत प्रेतों के बारे में थी। ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जितनी भी कहानियाँ उसने अपने लाइफ में सुनी थी सब उसके दिमाग में ताज़ा होने लगी। बच्चों आगे क्या हुआ, आगे स्वामी की रात कैसे कटती है, क्या वो रात भर जगा रह जाता है, या सच में वहाँ कोई भूत आ जाता है, उसे कौन कौन सी कहानियाँ याद आ रही होती हैं, उसे कौन कौन से डरावने सपने याद आते हैं, बच्चों इस बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम बहुत जल्द पब्लिश करने वाले हैं, वहाँ देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।